वॉम वेलकम टू जुने राजर ऑफिशियल आज और कल यानी थर्सडे एंड फ्राइडे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अजलास होने जा रहा है गोवा में कोस्टल सिटी ऑफ इंडिया में और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द चेंजिंग एनवायरमेंट इन द वर्ल्ड जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी जहाँ पे अमेरिका सिंगुलर सुपर पावर की हैसियत से पिछले तकरीबन मोर देन 50 इयर्स से हुकूमत कर रहा है बल्कि कहना चाहिए कि सेंचुरी कंप्लीट होने वाली है वहीं पे आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन आते आते नेक्स्ट सेंचुरी को इंडियन uh, सेंचुरी कहा जा रहा है और इसको uh, जो इस वक्त मौजूदा टाइम गुजर रहा है इसको एशियन सेंचुरी कहा जा रहा है सो वन वे और अदर जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आउटडेटेड uh, हो चुका है लेकिन जो पावर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है अगर उसको जहन में रखा जाए तो ये कहना बहुत मुनासिब होगा कि वेस्ट में जो टोटल पावर सेंटर्स इमर्ज कर रहे थे पिछले काफी अर्से से नेटो की शक्ल में यूरोपियन यूनियन की शक्ल में आ, उसमें आप डिफेंस कोऑपरेशन को भी ले आए और पॉलिटिकल और इंटरनेशनल ऑर्डर की कोऑपरेशन को भी ले आए तो वो जो सारा पावर सेंटर है वो शिफ्ट हो रहा है इनटू रीजनलिज्म और रीजन स्ट्रांग हो रहे हैं और उसकी मिसाल है शंघाई कॉपोशन ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स और उसके मुकाबले में क्वाड बनाना पड़ रहा है वेस्ट को जिसमें ऑस्ट्रेलिया है इंडिया है यूएस है जापान है सो इस वक्त कॉन्स्टेंट एक टेग ऑफ वॉर चल रही है इंटरनेशनल ऑर्डर में कि पावर सेंटर्स अगर इमर्ज कर रहे हैं नए तो उसमें वेस्ट ने अपने आप को कैसे सस्टेन करना है सो फार चाइना और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से बहुत करीब आ गए हैं क्योंकि उनका एनमी कॉमन है और द एनमी इज यूएस बिकॉज यूएस ने जिस तरीके से यूक्रेन के जरिए से और उससे पहले जॉर्जिया के जरिए से रशिया uh, को कंटेन uh, करने की कोशिश की है अटैक करने की कोशिश की है उसकी पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम को डिस्ट्रॉय किया है सैक्शन लगाई हैं और मुस्तकिल कोल्ड वॉर भी जारी है और एक काइनेटिक uh, वॉर तो ऑलरेडी यूक्रेन में चल ही रही है सिमिलरली चाइना को ताइवान के जरिए से जिस तरीके से uh, प्रोवोकेट किया जा रहा है टू गो फॉर अ वॉर ये सारी चीजें बाकी सारे सेंट्रल एशियन ममालिक को चाइना को रशिया को करीब लाती हैं और पाकिस्तान एक इनका नेचुरल एलाय है अगर हम समझें तो काफ़ी अरसे से जुल्फ़ार अली भुट्टो के टाइम से हम चाइना के साथ अपनी फ्रेंडशिप को बहुत वैल्यू करते हैं बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम गवर्नमेंट्स के चेंज होने के साथ साथ अपने स्टांसिस भी चेंज करते हैं और डोमेस्टिक रीज़न्स इंटरनल पॉलिटिक्स की रीज़न्स रिफ़्लेक्ट करती हैं इन टू आर फॉरन पॉलिसी जो कि बहुत नुकसानदेह चीज़ है आ, मिसाल के तौर पर बिलावल भुट्टो को आज गोवा क्यों जाना पड़ा इंडिया क्यों जाना पड़ा और वो क्यों इसको बहुत पोलाइटली एहताज के तौर पे अपनी जगह किसी और को फ़ॉरन ऑफिस से किसी सीनियर डिप्लोमेट को भेज सकते थे और ये रीज़न दे सकते थे कि बिकॉज पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंड है कि जब तक आर्टिकल 370 सेवनटी रिवोक नहीं होता और जब तक स्पेशल स्टेटस कश्मीर का रिवाइव नहीं होता इंडिया के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती लेकिन पिछले एक साल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एकदम से अमेरिकन कैंप की बातें की गई कि हम अमेरिकन कैंप के साथ हैं हम तो चाइना के साथ नेचुरल एलाइज के तौर पे चल ही नहीं सकते uh, हमारी तहजीब डिफरेंट है हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है हमारा पहनना ओढ़ना डिफरेंट है और यहाँ तक आ गया कि हम लोग तो अंग्रेजी बोलते हैं और हमारा जो सब कुछ एक नेचुरल कल्चरल टिल्ट है दर्टिस्ट टूवर्ड्स यू एस और इस तरीके से बहुत गलत सिग्नल्स दिए गए डिप्लोमेटिकली भी और डायरेक्टली भी जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं चाइनीज़ उनको डिस करके और उनको ह्यूमिलिएट करके चाइना को बहुत गलत मैसेजेस दिए गए नाव इज़ द टाइम जब आई एम एफ़ आपको एक सिंगल ट्रांश भी नहीं दे रहा यू एस आपकी हेल्प नहीं कर रहा बिकॉज आपने यू एस की वो सारी बातें नहीं मानी जो आप मनवाना चाहता था वैन इट कम्स टू अफगानिस्तान वैन इट कम्स टू आई एस के पी तो उसके बाद Uh, बहुत लेट हमारी गवर्नमेंट को ये समझ आया कि हमें शायद चाइना की अभी भी ज़रूरत है लिहाजा ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एस की मीटिंग uh, हो रही है गोवा में इसको हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते थे यही वजह है कि वहाँ पर बिलावल भुट्टो को जाना पड़ा ये और बात है कि बिलावल भुट्टो काबुल नहीं जाते अफगानिस्तान नहीं जाते अगर किसी मुल्क के दौरों को वो प्रेफर करते हैं तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिससे उनका माइंड रिफ्लेक्ट करता है कि वो किस तरीके से सेंसिटिविटीज़ को पिक नहीं करते वो इंस्टीट्यूशनल मेमरी जो हमारी फॉरन ऑफिस की है और जो इंस्टीट्यूशनल एडवाइस उनको दी जाती होगी कि किस तरीके से डिप्लोमेटिकली आपने बैलेंस मेंटेन करना है और अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलना है वो उस एडवाइस को फॉलो नहीं करते लिहाजा उनका ये जो दौरा है ये इस ग्लोबल uh, पर्सपेक्टिव

के जय शंकर जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं इंडिया के उन्होंने जैसे ही बीजेपी के इलेक्शंस अगले साल करीब आना शुरू हुए हैं तो उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए जो टिपिकल एंटी पाकिस्तान रेट्रिक होता है उसको फ़रो देना शुरू कर दिया वहाँ पर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जी ट्वेंटी समिट रखी गई है और वहाँ पर टूरिज़म को प्रमोट किया जा रहा है एक इमेज दिया जा रहा है कि ये हमारा अपना मुल्क है और यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है और हम यहाँ पर मुस्तबिल में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं ईमार e ग्रुप जिसने बुर्ज खलीफा तमीर किया यू बेस्ड ग्रुप है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है शॉपिंग मॉल्स बना रहा है विच मीनस कि उन्होंने ऑलरेडी ग्लोबली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को प्रजेंट करना शुरू कर दिया है एज़ अ रिजॉर्ट एज अ ग्लोबल सेंटर फॉर टूरिज़म इन एशिया इसको कंटेस्ट करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं किया गया आ, हाँ अलबत् अभी जयशंकर ने पानमा में ये कहा आ, प्रेस से बात करते हुए कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है टूवर्ड्स इंडिया इसलिए हम उसके साथ अच्छे ताल्लुक का सोच भी नहीं सकते उसी के साथ साथ आज जब बिलावल भुट्टो वहाँ पर खुद मौजूद हैं तो उनके अपने दिए हुए बयान जिसमें वो मोदी को बहुत बुरा भला कहते रहे हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है तो ये अनफॉर्चुनेट रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान इंडिया की कोई तकरीबन सत्तर पचहत्तर साल पुरानी जो डे वन से मौजूद रही है और कभी भी हम बहुत करीब नहीं आ सके uh, हम इस काबिल भी नहीं हो सके कि एक दूसरे को नेबर्स समझ के ही एक थ्रेश क्रिएट कर लें कि इससे आगे नहीं जाना हालात को इससे खराब नहीं होने देना सो अनफॉर्चुनेट रियालिटी बट बिकॉज द चाइना वॉज इन्वॉल्व सेंट्रल एशिया वॉज इन्वॉल्व रशिया इज़ इन्वॉल्व जिनके साथ हमारी ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड फ्यूचर में बहुत अलइन करती है हम उनकी वजह से ये मीटिंग मिस नहीं कर सकते सो so, दिस इज़ द पर्स्पेक्टिव जिसको जहन में रखना पड़ेगा कि वाई डिस्पाइट सो मच ह्यूमिलियशन उनके वहाँ जाने से पहले ही जयशंकर के इस किस्म के बयान के बावजूद बिलावल ने क्यों चूज़ किया वहाँ जाना या गवर्नमेंट ने क्यों चूज़ किया uh, वहाँ पर अपनी रिप्रजेंटेशन देना इसके अलावा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ अगर वापस आएँ तो इमरान खान आज इस्लाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए और उन्होंने वहाँ पर uh, कुछ प्रेस टॉक भी की जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनको और मुराद सईद को अगर कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है क्योंकि आज फिर दहशतगर्दों ने पारा चनार में हमला किया है और सेवन टीचर्स हैव बीन किल्ड और वो शिया हैं सारे विच मींस के जो भी कु्वतें हैं वो सेक्टेरियन वायलेंस को एक दफ़ा फिर हवा दे रही हैं बट एक तरफ़ सेक्टेरियन वायलेंस फैल रहा है दहशतगर्दी रिटर्न कर रही है दूसरी तरफ हमारे अपने लोग जो किसी भी पार्टी के हों चाहे वो मुराद सईद हों चाहे वो कोई और होते जिस तरह माजी में हम राना सना के लिए भी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं जब उनके ऊपर ड्रग्स का केस डाला गया था ये हम कब तक पर्सनल विक्टिमाइजेशन में अपने ही लोगों को निशाना बनाते रहेंगे और हमारी जो एनर्जीज हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में और खत्म करने में और इलिमिनेट होने में खर्च होती रहेंगी मे बी दिस इज द रीजन कि टेररिज्म को उस सीरियस एटीट्यूड के साथ अब लोग ले भी नहीं रहे वैसी थ्रेट समझ भी नहीं रहे जैसी थ्रेट ये समझी गई थी आ, माजी में जो ट्वेंटी इयर्स हमने वॉर ऑन टेरर लड़ी है आ, जिस तरीके से सवात में मिलिटेंट्स की वापसी हुई पी टी आई गवर्नमेंट के होते हुए और मुस्तकिल बार बार वहाँ से लोगों ने एहताज किए सवात में मालाकंड में लोगों की कसीर तादाद जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया वो वहाँ इकट्ठे हुए कि यहाँ पर हम लोगों को वापस नहीं आने देंगे लेकिन इस बहस में कोई जाना नहीं चाहता कि वो क्यों वापस आए किसके गलत डिसीजनस थे और अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि वो लोग हर जगह मौजूद हैं और लोग सेफ फील नहीं कर रहे आ, इसके अलावा अपनी सिक्योरिटी के हवाले से उनके वकिला को कहा गया कि ये तासुर ना दें कि कोई आपको गिरफ्तार करेगा ये बहुत अजीब बात है क्योंकि जिस मुल्क में दो वजीर आजम जो हैं वो असासीनेट हो चुके हों उसमें एक तीसरा एक्स प्राइम मिनिस्टर बार बार अगर कह रहा है कि मेरी जान को ख़तरा है उनके केसेस को ही एक जगह क्लब कर दें या उनको वीडियो लिंक ही प्रोवाइड कर दें नो बडी इज़ रेडी टू तो डू दैट वाई दे आर नॉट रेडी टू डू दैट इज़ अ बिगर क्वेश्चन को किसकी तरफ से ये अहकाम हैं अदलिया क्यों ये सलूक कर रही है एक प्राइम मिनिस्टर के साथ जबकि दूसरा मुल्क से बाहर है और बीमार भी नहीं है वो मुख्तफ मुल्कों में ट्रैवल कर रहे हैं वोशन के लिए इटली गए अभी उम्र करने गए हुए थे और देखने में बिल्कुल नॉर्मल हैं आज तक किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए उनकी कोई रिपोर्ट्स वापस जमा नहीं कराई गई और इमरान खान को कहा जाता है कि आप सरकारी हॉस्पिटल से अपना चेकअप कराएं हम उन रिपोर्ट्स को मानेंगे तो इमरान ख़ान सही हों या गलत हों ये जो रवैया है स्टेट का टूवर्ड्स हिम यह बहुत बायस्ड है और बहुत लोग इसको समझ गए हैं आप मेरा ख्याल है कि किस तरीके से पिक एंड चूज की जाती है पाकिस्तान में लीडरशिप इसके अलावा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन इमरान खान और गुशरा बीबी के खिलाफ जो गैर श्री निकाह का केस है उसमें इवेंचुअली ओन चौधरी का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है हर uh, प्रेसिडेंट गलत सेट हो रही है उसकी वजह यह कि जब आप एक लिमिट क्रॉस करते हैं तो फिर आप वापस नहीं आते आप उससे आगे ही जाते हैं आज जो कुछ पर्सनल लाइफ्स को लेके इमरान ख़ान के साथ हो रहा है उनके निकाह के हवाले से उनकी वाइफ के हवाले से आ, ये मुस्तकबिल में फिर और लोगों के साथ भी होगा और हम उसे उस वक्त भी डिफेंड नहीं करेंगे लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि हम इसे रोकेंगे किस तरह क्योंकि ये उसके लिए जस्टिफाई होगा जिसके साथ पहले ये सलूक हो चुका है सो so, हम uh, मुस्तकिल ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं चाहे वो इलेक्शन ना करवाने की शक्ल में हो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की शक्ल में हो किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए हो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो सारे फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहे हैं और ये मैसेज दिया जा रहा है कि जब कोई एक ग्रुप ताकत में हो तो वो जो मर्ज़ी कर गुजरे उसको कोई पूछने वाला नहीं है और रियासतें ऐसे नहीं चला करती इसके अलावा uh, पीटीआई ने टिकट्स के हवाले से जो उनके बारे में कहा जा रहा है कि पैसे ले टिकट्स दिए हैं आ, उसके ऊपर हट जाने का नोटिस भेज दिया है स्पेशली ख्वाजा आसिफ को दस अरब रुपए का हट जाने का नोटिस भेजा गया उस्मान डार की तरफ से और उन्होंने कहा है कि ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर सियालकोट में टिकटों की फ़रोख का इल्ज़ाम इल्ज़ामायद किया था और टिकटों के अवज़्ट सयालकोट से तीस करोड़ रुपये इकट्ठा करने का मन इल्ज़ाम लगाया गया है वी ऑल नो इस केस का कोई फ्यूचर नहीं होगा एक तो फ्रेबलस है बेस कोई नहीं है लेकिन जहाँ इतने केसेस हैं तो एक सौ इक्कीस के करीब केसेस हैं ऑलरेडी इमरान ख़ान पे उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है वो हर जगह मौजूद नहीं हो सकते उसी का भी झगड़ा पड़ा हुआ है कि एक जगह क्लब करने हैं नहीं करने कभी एक जगह की ज़मानत मनसूख होने को आ, कहा जाता है कभी दूसरी जगह की तो इस तरह के केसेस पी आए, जितनी मर्जी कर ले इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा बिकॉज इस जो जो रूलिंग पार्टीज़ हैं दे आर हेल बेंट ऑन डूइंग एवरी थिंग इज़ अनलॉफुल और आप इससे अंदाज़ा कर लें कि कई सहाफ़ी खुल के इमरान खान की असैसिनेशन का पहले भी जिक्र करते रहे हैं और अभी भी मुराद सईद पे अटैक्स की बात कर रहे हैं इट सीम्स दैट दे नो कि ऐसा होने वाला है मुराद सईद गिरफ़्तार होने वाले हैं और uh, मेरा ख़्याल है ये सिचुएशन जिसमें जर्नलिस्ट यूज़ हो रहे हों टू स्प्रेड द नार्टिव ऑफ़ द नेगेटिव पावर्स बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है बिकॉज हम अरशद शरीफ की शक्ल में देख चुके हैं लेकिन वंस दे आर गॉन कुछ दिन तो उनका सोग मनाया जाता है उनके ऊपर प्रोग्राम्स किए जाते हैं एंड देन वी गेट बैक टू स्क्वायर वन लाइफ एज यूजल वापस आ जाती है uh, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पाकिस्तान और आईएमएफ के प्रोग्राम की बहाली का मामला कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं इस डार अमेरिकन डिप्लोमैट से नाजिम से वर्चुअल uh, मीटिंग में डिस्कशन कोई और होनी होती थी और वो उसमें बार बार आईएमएफ ले आते थे बट सो फार ही हैज़ फेल्ड कि वो आईएमएफ से वो ट्रांस ले सकें जिसकी हमें अक्टूबर से ज़रूरत है इसके अलावा बार बार सब्सिडीज़ को अनाउंस किया गया डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको ये मालूम था कि जिस चीज़ के सबसे ज़्यादा मुखालफत की जा रही है आई की तरफ से वो सब्सिडीज़ हैं लेकिन अपने पोलिटिकल कैपिटल को बचाने के लिए बार बार लोगों में कभी फ्री आटा कभी सस्ता पेट्रोल और इस तरह की डेटा बेस्ड हमने वर्किंग की हुई है हमें पता है किसको कितने रुपए में पेट्रोल देना है हम सब रिक्शे वालों को देंगे मोटरसाइकिल वालों को देंगे कई बहानों से सब्सिडीज देने की कोशिश की गई जिसकी वजह से बार बार तातुल का शिकार हुआ आई एम एफ के साथ हमारा माहिदा और इवेंचुअली नुकसान किसका हुआ स्टेट का नुकसान हुआ सो वेन दे से कि पाकिस्तान अपनी कही हुई बात को ऑनर नहीं करता तो वो सही कहते हैं क्योंकि उनके साथ कमिट करने के बाद भी पोलिटिकल गवर्नमेंट्स बार बार सब्सिडीज़ अनाउंस करती हैं और सब्सिडीज को अनाउंस करने का मतलब है वायलेशन ऑफ द पैक्ट जो आप साइन कर रहे हैं आईएमएफ के साथ अभी यह हुआ है कि एक और मालियाती पॉलिसीज़ की याददाश्त का मुसवदा मुरतब किया गया है इंटरनेशनल मोनिट्री फंड आई की तरफ से जिसके मुताबिक पाकिस्तान आई की पेशगी मंजूरी के बगैर किसी किस्म की इजाफी सब्सिडी नहीं दे सकेगा और उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर दस्तखत की में भी बड़ी रुकावट दूर हो जाएगी सो फाइनली उन्होंने एक दफा फिर आपको मौका दिया है आपसे साइन कराएं कि आप आईएमएफ से पूछे बगैर सब्सिडी नहीं देंगे तो लेट्स इसको कितनी देर तक ऑनर करते हैं इस हाकदार का तजर्बा हमारे लिए बहुत तलख साबित हुआ है क्योंकि हमें सरासर एज a स्टेट इसका नुकसान हुआ है बिलावल भुट्टो खुद पांच दौरे कर चुके हैं अमेरिका के लेकिन आईएमएफ ने उनकी बात को कोई ऑनर नहीं किया बिल्कुल नहीं माना और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट करे हमने उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया मुराद सईद की मैं बात कर रही थी तो उनकी मालाखंड के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं और उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो बिल्कुल उसी नौीय के हैं जैसे इमरान खान पे हैं दफ़ा दो सौ चार जब्ता फौजदारी का वारंट जारी किया गया है उन पर दफ़ा वन ट्वेंटी फोर ए वन फिफ्टी थ्री फाइव हंड्रेड फाइव ज़ीरो फोर और फाइव ज़ीरो सिक्स के तहत अट्ठाईस अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया था और वारंट्स में कहा गया कि उनको गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पे करें लाहौर कोर्ट ने तहम उनको गैरकानूनी तौर पर हरासा करने से रोक दिया है जो कि बड़ी मज़ाहिया बात है क्योंकि जब आपको पता है कि ये केस ही गलत है और आप अदालत हैं तो आप इसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं कर सकते थोड़ी थोड़े दिनों की जमानत देना इज अनदर प्रेशर टैक्टिक कि जब एक इंसान को पूरे मुल्क में घुमाया जाता है और हम ये पिछले एक साल में तमाशा देख चुके हैं फवाद चौधरी हों शहबाज़ गिल हों आज़म सवाती हो आ, कभी तो पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ हैं फिर उनको पूरे मुल्क में घुमाया जाता है कभी हॉस्पिटल्स से जान के उनकी फ़ुटेज रिलीज़ की जाती हैं कभी आ, जिस जगह पर वो बंद होते हैं वहाँ से उनकी तस्वीर जारी की जाती हैं वो आए टू सेंड द मैसेज अक्रॉस कि कोई और भी अगर इस रास्ते पर चल रहा है तो वो सबक सीख ले और इबरत हासिल करे लेकिन मेरे ख्याल है कि इस सारे मामले को जितनी जल्दी समझ के रोक लिया जाए वो बेहतर है क्योंकि इससे सिर्फ स्टेट और सिटीज़न का रिलेशनशिप जो पाकिस्तान में मैंने कई दफ़ा कहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है वो मज़ीद डैमेज हो रहा है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि वाइल्ड देर इज सो मच पोलराइजेशन सोशली पोलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली हम ये भी समझना शुरू कर दें कि हमारी स्टेट और हमारी हुकूमत ही हमारी दुश्मन है लेट्स सी uh, कि कल तक क्या डेवलपमेंट होती है uh, uh, किस तरीके से फॉरन uh, अफेयर्स में हम देखते हैं बिलावल भुट्टो को कंडक्ट करते हुए अपने आप को पाकिस्तान को रिप्रजेंट करते हुए और uh, क्या फ़ायदा होता है, उनके वहां जाने का uh, uh, हाउ ही कंडक्ट हिमसेल्फ एज पाकिस्तानी ही तजुर्बाकार रह चुके हैं का उनको बहुत वसी है, इंडिया को बहुत है, को अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं all over the world, और उसके मुकाबले में हम ये कह के बहुत खुश होते हैं कि जी यंग एंड कैरिजमेटिक बिलावल भुट्टो बट जिंदगी में भी और दुनिया में भी प्रोफेशन में भी कहीं भी आपका कैरिजमेटिक होना और यंग होना इज नॉट इंपॉर्टेंट आपका फोकस्ड होना आपका प्रोफेशनल होना आपका तजर्बाकार होना ये काउंट करता है लेकिन ये मौका मिला है जैसे भी मिला है बिलावल भुट्टो को लेट्स सी हाउ ही कंडक्ट हिमसेल्फ आई एल सी यू टुमारो